हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम साहब हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में मुख्य विपक्षी दल है उसका बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, पॉलिटिकली कमज़ोर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण हो रहा था उससे पहले जो एनडीए की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं, मुख्यमंत्री ने उनका पैर छू लिया, उनको झुककर प्रणाम कर लिया। इसके बाद लगातार बिहार को झुकने की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे हिमराज राम साहब? अरे, जो व्यक्ति लाठी में तेल पिलाने की बात करता हो, वो आचरण और संस्कार की बात उसे क्या मालूम। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, राजनीति में अलग अलग दलों के होते हुए भी हमारे पुराने जो लीडर थे उनसे सीख लेने की ज़रूरत है, जो एक दूसरे का कितना आदर करते थे। और आज चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में लगातार लंबे अरसे से माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2005 के बाद से लगातार अभी तक मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदला है उन्होंने, और लंबे समय से एनडीए का हिस्सा रहे हैं नीतीश कुमार जी और जनता दल यू। तो हमारा संबंध नेचुरल संबंध है, पुराना संबंध है, और इस संबंध को लेकर के आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लोगों में काफ़ी बेचैनी और परेशानी हो रही है उन लोगों को, चूँकि नमो नीतीश की जोड़ी ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के 99 के चक्कर में फंसा दिया है और 99 के चक्कर से ही उबर नहीं पाए, इतनी यातनाएं की, इतने लंबे चौड़े भाषण देते रहे, लंबा समय तक ही लोग दौड़ते रहे और जनता के बीच में हमेशा झूठ बोलने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया, सही बात को जनता के नज़रों से छिपाने का काम किया, जिसके वजह से जनता ने इन्हें नकार दिया, इन पर भरोसा नहीं किया। जनता ने भरोसा किया नीतीश कुमार पर, जनता ने भरोसा किया नरेंद्र मोदी जी पर, और इसके वजह से आज देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। आपने चुनाव में काम किया था, हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं इमराज राम साहब, तो जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, आपके मुख्यमंत्री को थकाऊ कमजोर मुख्यमंत्री माना जा रहा था, रिटायरमेंट की संख्या दी जा रही थी, एकाएक नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभर गए, किंग बनकर उभर गए बिहार से, देश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस की तरफ से सीधा प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर आ गया, क्या कहेंगे इस पर आप लोगों ने तो ठुकरा दिया एक तरह से प्रधानमंत्री के पद को, इतना बड़ा दिल कैसे आप लोगों ने दिखाया? देखिए, बिहार की जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार में विकास की गति को तेज करना है, बिहार जिन समस्याओं से ग्रसित था उन समस्याओं से निजात दिलाना था, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलना था, बिहार में अमन चैन शांति और भाईचारा कायम करना था। नीतीश कुमार जी ने वो करके भी बता दिया, जनता के साथ जो वादे किए उसको पूरा करने का काम किया, लेकिन बिहार में अभी बहुत ऐसे काम हैं जिसको पूरा करना है आगे आने वाले दिनों में, इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और काम करना है, और जो अधूरे काम है उसको पूरा भी करना है, ये लक्ष्य है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार जी ने सभी वर्ग और सभी संप्रदाय के लोगों के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है, किसी के साथ पक्षपात और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, जिसके वजह से जनता के दिलों में बसते हैं, जनता का भरोसा उनके ऊपर कायम है। अंतिम सवाल इमराज राम साहब, दिल्ली के लुटियंस में चर्चा थी, मैं भी मौजूद था दिल्ली में, अब बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, समयपुर बिहार में चुनाव होंगे क्या? देखिए, बिहार में कब चुनाव होगा, 25 में चुनाव, अभी तो कार्यकाल पूरा हो रहा है, अब चुनाव आयोग क्या करेगा इस बात को तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट करना अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन कार्यकाल तो 25 तक है और एनडीए बहुमत में है, इसमें कोई परेशानी नहीं। दिल्ली में चर्चा है कि नीतीश कुमार समय पूर्व चुनाव कराना चाहते हैं, बिहार में भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कह दिया कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में चर्चा है चुनाव पहले होगा हमारे चैनल पर। देखिए, वैसे हमारी जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है
हमारे नेता 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जब भी नगारा बज जाएगा हम चुनाव का सामना करेंगे, चाहे अभी हो जाए या 25 में हो जाए, हम तैयार हैं चुनाव के लिए। हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी उनको होगी जो जनता के साथ हमेशा झूठ बोलते हैं। हमारा तो एक अस्थाई मुद्दा है, जनता का विकास, बिहार का विकास, बिहार का उत्थान और बिहार में अमन चैन, भाईचारा, शांति, सद्भाव कायम रखना है। अंत में आप एक हमारे दर्शकों को बता दीजिए, इतने बड़े जीत पर आप क्या कहेंगे जो आपको मैंडेट मिला? निश्चित रूप से मैं पूरे देश की जनता को, बिहार की जनता को बधाई देता हूँ और उन्हें पुनः जो है ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसा के बल पे आप लोगों ने NDA के पक्ष में मतदान किया है, वो आपका भरोसा और मजबूत होगा। आपके भरोसा पर पानी नहीं फिरेगा, बल्कि बिहार में विकास की गति और तेज होने वाली है। धैर्य के साथ रहिए और विश्वास बनाए रखिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के ऊपर। विशेष राज्य भी आ रहा बिहार का भी, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग तो मेरा बहुत पुराना मांग है। और जब कांग्रेस जब शासन में थी उस समय भी लालू जी बहुत करीबी नज़दीकी संबंध थे, कांग्रेस के साथ प्रमुख गठबंधन का हिस्सा थे, और उस समय लालू जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर कभी समर्थन नहीं किया, विरोध करने का काम किया था। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर कम से कम कांग्रेस और लालू जी को बोलने का कोई हक नहीं है। आप अस्वस्थ बिहार की जनता? हम लोग तो पूरे अस्वस्थ हैं। पहले तो हम मांग करते थे और हम आज NDA के साथ सरकार में भी शामिल हो गए हैं और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग और विशेष पैकेज देने की मांग हमारी है और हमारे नेता इस पर और मोदी जी मिलकर बात करेंगे, इसका हल जरूर निकालेंगे। मन तो बन मुस्कुरा रहे हैं इमराज राम साहब, इन लोग अस्वस्थ हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीति में, बिहार की राजनीति में अमर हो जाना चाहते हैं, बिहार को एक मजबूत और सशक्त बिहार बनाकर। और जो दिल्ली के लुटियंस में चर्चा है कि बिहार को बड़ा कुछ मिलने जा रहा है, अंदर से खुश हैं, टीवी पर स्क्रीन पर नहीं बोलना चाहते हिमराज राम साहब। देखिए आने वाले समय में बिहार को प्रधानमंत्री मोदी क्या देने वाले हैं। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।